जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मैच अब 4 अगस्त को खेला जाएगा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने दागा। भारतीय टीम ने पूरे मैच में कंगारू टीम पर हावी रही और लगातार अटैकिंग गेम को जारी रखा। कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में भारतीय टीम ने 41 सालों में पहली बार ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। रविवार को भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने भी अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 49 सालों बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल का टिकट कटाया। टीम की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 7वें, गुरजंत सिंह ने 16वें और हार्दिक सिंह ने 57वें मिनट में गोल किया और जीत दर्ज की। पुरुष हॉकी टीम का सेमीफाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से है।